नमस्कार, मैं डी के पांडे, IBN आवाज़ न्यूज़। और अभी मैं बिहार राज्य के रोहतास ज़िला में मौजूद हूँ। हमने देखा कि यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी का बहुत बड़ा काफिला यहाँ से गुजर रहा था और उनके नेतृत्व करता ये वहाँ से हमारे सामने उपलब्ध हैं। आइए मैं इनसे कुछ बातचीत करता हूँ और इनसे जानकारियाँ लेता हूँ। नमस्कार सर, हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। सर पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। नमस्कार, पहले हम IBN के सभी सदस्यों को मैं अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह है। मैं डेहरी ओन सोन का रहने वाला हूँ। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में प्रदेश महासचिव सह बक्सर जिला प्रभारी। सर आपने जो जिस तरह का सर काफिला निकला था रामविलास पासवान जी का और चिराग पासवान जी का, तो ये काफिला निकलने का कारण कहाँ था, कहाँ तक आप लोग जा रहे थे? जैसा कि आप कुछ दिन पहले जानते होंगे कि हमारे यहाँ शिवसागर में अमर शहीद वीरेंद्र कुमार सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, जो छापेमारी के दौरान अपराधियों के द्वारा उन पर हमला करके वह घायल कर दिए गए थे, जिनकी अंतिम सांस PMC में थी। उन्हीं का मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी का आगमन हुआ था, उसी में यह काफिला था। सर ये जो काफिला, वीरेंद्र पासवान जो शहीद हो गए थे बिहार राज्य देश के तहत सेवा करते करते, उन्हीं की मूर्ति का अनावरण था और सारे नेतागण लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि आगे फिर आप हमारे जो नेता है, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अमर शहीद वीरेंद्र कुमार पासवान जी की जो मूर्ति का अनावरण हुआ, जो आप देश के लिए काम करते हुए या लोगों के लिए रक्षा के लिए काम करते हुए शहीद हुए, लेकिन हमारे यहाँ सरकार की कोई ध्यान नहीं है। यह तो कार्य सरकार को उनका मूर्ति की प्रतिमा लगानी चाहिए, उनका अनावरण करना चाहिए, लेकिन सरकार की कोई ध्यान नहीं है। लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का है कि हम लोग जो पिछड़े हैं, जो इस तरह का कार्य सरकार नहीं कर पाती, हम लोग लोगों को परेशान करके हम उनको शहीदों को नमन करते हुए हम लोग ऐसी प्रतिमाओं को हम लोग अपने उनके साथ हर बराबर सहयोग करते रहेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप जानते होंगे कि पद्मभूषण माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र, जिनकी एक अच्छी छवि रही थी, उन्होंने बिहार प्रदेश के लिए बहुत कुछ दिया था, लेकिन मोदी के लड़के चिराग पासवान जी का भी यही मानना है कि हम बिहार में आए हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक विजन लेकर आए हैं कि ताकि हमारे यहाँ बच्चों को रोजगार मिले, शिक्षा हो। नहीं सर मैं रुकना चाहूँगा, क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तो बात ठीक है, नारा भी ठीक है, लेकिन मंच पे उन्होंने जितना भी निशाना साधा माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे निशाना साधा, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति मुद्दा है और आपकी कहीं ना कहीं चुनाव जो है 2024 में चुनाव होने वाली है उसको लेकर के, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे कह सकते हैं राजनीति मुद्दा है? दिन पर दिन अपराधियों का तांडव चल रहा है, हमारे यहाँ के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह तो राजनीति की बात नहीं है, सुरक्षा देना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, लेकिन सरकार उसमें कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारे नेता कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग लोगों को सुरक्षित करेंगे, हम लोग प्रशासन को विधि व्यवस्था बनाकर रखेंगे ताकि हमारे यहाँ के लोग सुरक्षित हों, उद्योग धंधे लगाएँ, रोजगार करें, हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ पढ़ें, हमारे यहाँ पर्यटक स्थल हो, हमारे यहाँ किसान भाइयों को कहीं ना कहीं। सर पर्यटक स्थल हो ठीक है, लेकिन अब तो कहने का मतलब है कि जो सरकार अभी है और जो नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही थी, ये बिल्कुल मतलब गरीबों के लिए बिल्कुल फेलियर सरकार है, या हमारे जो बिहार के सुरक्षा बल हो या दरोगा हो या जिस कंपनी में आप काम करते हो उसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए और उसके सुरक्षा के लिए करके नीतीश कुमार की सरकार बिल्कुल फेलियर है। हाँ, दिन पर दिन देख रहे हैं बिहार में कुछ दिन पर दिन कोई घटनाएं होती रही हो रही है, यह तो कहने की बात नहीं है। आप पूरे बिहार में देख रहे हैं दिन पर दिन, पर डे, प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई घटनाएं हो रही हैं। सरकार तो फेलियर है, उनसे वह संभाल नहीं पा रहे हैं, डेली देख रहे हैं। या हम लोग तो हम लोग को लगता है कि जल्द ही मध्यावर्ती चुनाव ना हो जाए,
सरकार गिर भी सकती है उनकी, क्योंकि देख रहे हैं कि स्थिति इतनी बद से बदतर होती जा रही है। कोई हम लोग की सुविधाएँ हमारे क्षेत्र में कहीं बिहार प्रदेश को नहीं मिल रहा है। सर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन सर, मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी के आप बहुत अच्छे नेता हैं और युवा नेता हैं, तो आपकी अगली कदम क्या होगी? हम लोग की अगली कदम यही होगी कि हम लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाएँ पूरे बिहार प्रदेश में, कि हमारे नेता एक अच्छे नेता हैं, शिक्षित हैं।